हमारी यह धरती काफ़ी बड़ी और काफ़ी खूबसूरत है। इस धरती पर मौजूद अलग अलग तरह के जीव जंतुएं इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। चिड़ियों की सुरीली आवाज़, पेड़ों पर छलांग लगाते बंदर, नदियों और समुद्रों में उछलती मछलियाँ सभी के मन को मोह लेते हैं। कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर तरह तरह के जीवों को बनाया है, लेकिन उन्होंने उन सभी में इंसानों को सबसे अलग और सबसे खास बनाया है, क्योंकि अन्य जीवों की तुलना में इंसान काफ़ी विकसित हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान भविष्य में ईश्वर द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत धरती को नष्ट करने का कारण बन सकता है, जिसका असर अभी से ही दिखता जा रहा है। इंसानों द्वारा फैलाई जा रही प्रदूषण और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों की कटाई की वजह से कई सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। फायरफ्लाइज, जिसे आप में से कई लोग जुगनू के नाम से जानते होंगे। पहले रात के समय हमारे घरों के आसपास और खुले मैदानों में सैकड़ों की संख्या में जुगनू दिखाई दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये शहरों में काफ़ी कम दिखाई देने लगे। लेकिन हाँ, तब भी ये गांवों में दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज के मौजूदा समय में ये गांवों में भी काफ़ी कम, या यूँ कहें दिखाई ही नहीं दिया करते हैं। पर इसके पीछे का कारण आप में से कई लोग नहीं जानते होंगे। दरअसल इसके पीछे का कारण हम इंसान ही हैं। बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ खेतों में हो रही रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं की वजह से इसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। तो दोस्तों, आपने आखिरी बार जुगनू कब देखा था? अगर याद हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलिपियन ईगल, दोस्तों ईगल की ये प्रजाति दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक है। आकार में बड़े होने के साथ साथ यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम होता है। यही नहीं, इनकी देखने की क्षमता भी इंसानों की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक है। ईगल की इस प्रजाति को फिलीपींस की राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन मुझे यह बताते हुए काफ़ी अफसोस हो रहा है कि इन पक्षियों की संख्या पहले की तुलना में काफ़ी कम होती जा रही है। अगर सही तरीके से इन पक्षियों के बचाव पर ध्यान न दिया गया तो वो दिन भी दूर नहीं जब ये इस धरती से विलुप्त हो जाएंगे। दरअसल इन पक्षियों को एकांत में रहना काफ़ी पसंद होता है, और लगातार कट रहे पेड़ों को इनकी कम होती संख्या का प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रोबोसिस मंकी, जिसे आप में से कई लोग लंबे नाक वाले बंदर भी कहते होंगे। बंदरों की ये प्रजाति अन्य बंदरों से काफ़ी अलग और दुर्लभ है। ये बंदर मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। इनकी लंबाई 53 से 76 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन 7 से 27 केजी तक होता है। इन बंदरों को जंगल में ही रहना पसंद होता है, लेकिन इंसानों द्वारा लगातार नष्ट किए जा रहे जंगलों और अनियंत्रित इनके शिकारों की वजह से अब पूरी दुनिया में इनकी संख्या मात्र 7,000 से भी कम रह गई है। पिएड टामारिन, बंदरों की ये प्रजाति इंसानों जैसी अपनी शक्ल के कारण पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चित है। ये बंदर ब्राज़ील के अमेजॉन जंगल में पाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि धरती पर अमेजॉन जंगल ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां पर ये बंदर अब तक जीवित है। लगातार हो रहे शहरीकरण की वजह से और इंसानों द्वारा इसके अवैध शिकार और ब्लैक मार्केटिंग के कारण अब इनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। ट्री पेंगोलिन, यह अनोखा जीव भारत समेत एशिया के कई सारे देशों में पाया जाता है। भारत में इसे कई लोग सल्लू सांप भी कहते हैं। इनका मुख्य आहार पेड़ों पर मौजूद दीमक और चींटियां हैं। अंधविश्वास, प्राकृतिक आवासों की कमी और यौन संबंधी दवाओं के उत्पादन की वजह से इनकी संख्या में तेजी से कमी होती जा रही है, और इनका लगातार शिकार किया जा रहा है। यह अद्वितीय जीव शेर जैसे खतरनाक शिकारी से अपनी शरीर की कुंडली बनाकर रक्षा करने में सक्षम होता है, लेकिन ये हम इंसानों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद आप तक इन विलुप्त हो रहे जीवों की जानकारी पहुंचाना था, और ये एहसास दिलाना था कि कैसे हम इंसानों की वजह से इस धरती का स्वरूप बदलता जा रहा है। अगर हम अब नहीं संभलेंगे तो आने वाले समय में हमारे आसपास दिखने वाले कई तरह के जीव जंतुएं भी धीरे धीरे विलुप्त होने लगेंगे, जिसका प्रभाव हम इंसानों पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।